are going to learn second chapter from EVS. Okay? So second chapter हमारा क्या है? Second chapter है my body parts. हमें body parts के बारे में पढ़ना है, हमारे जो body के सारे parts है सबके बारे में. Okay? तो हम सबसे पहले start करते हैं ऊपर से. तो यहाँ पे this one part is a head. इसको हम क्या कहते हैं? हमारा head, सिर. इसमें क्या होता है? बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं. किसी के ब्लैक भी हो सकते हैं, किसी के ब्राउन भी हो सकते हैं और किसी के वाइट भी हो सकते हैं. अगर कोई हमारी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है तो ये हेयर, देन आफ्टर हेयर्स, देन आफ्टर दिस वन इज अ फोर हेड. ये हमारा फोर हेड है, ये जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? फोर हेड. और फोर हेड के बाद यहाँ पे ये जो आता है वो क्या है? आईब्रो. फोर हेड, देन आफ्टर आईब्रो. और आईब्रो के नीचे जिससे हम देख सकते, अगर उसके हम ऐसे हाथ रखें तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, बंद कर दे तो दिखेगा ही नहीं, जिसको हम ब्लिंक कर सकते हैं. दिस वन इज अवर आईज. ये क्या है? हमारी आईज. सो वी सी विथ अवर आईज. हम हमारी आईज का यूज करके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. फिर हम ऐसे स्माइल करेंगे. दिस वन, वो हमारा क्या है? चिक. इसको हम क्या कहते हैं? चिक, हमारे गाल. फिर दिस वन, ये वाला पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? दिस वन चिन. इसको हम क्या कहेंगे? चिन. दिस वन, ये दोनों जिससे हम सबकी सारी बातें सुन सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ईयर्स. वी हियर विथ अवर ईयर्स. हम ये दोनों ईयर्स का यूज करके क्या कर सकते हैं? बातें सुन सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं. दिस वन, अगर किसी ने हमें रोज दिया हो तो कैसे पता चलेगा कि वो रोज ही है? जैस्मिन नहीं है तो किससे पता चलेगा? हमारे नोज से, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, ब्रीथ भी करते हैं. तो वी ब्रीथ एंड स्मेल विथ अवर नोज. फिर उसके बाद क्या आएगा? दिस वन माउथ. इसको हम क्या कहते हैं? माउथ. उससे हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं. सो वी ड्रिंक एंड ईट विद द यूज ऑफ अवर माउथ. माउथ के अंदर खाने को काटने के लिए क्या होता है? टुकड़े में बांटने के लिए क्या होता है? व्हाइट कलर के टीथ. तो उसको हम क्या कहेंगे? वी बाइट विथ अवर टीथ. और उसके अंदर टंग. वेरी गुड, टंग. तो वी टेस्ट विथ अवर टंग. हम हमारे टंग से क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं. तो वी टेस्ट विथ द यूज ऑफ अवर टंग. तो ये सारे हमारे फेस के बॉडी पार्ट्स थे, फेस के पार्ट थे, वो हमने सारे सीखे. एक अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. हेड, हेयर, हेड, हेयर, फोरहेड, आईब्रो, आईज, नोज, माउथ, और ये जो बाहर दिख रहा है वो हमारे क्या है? लिप्स. माउथ में जो आगे होते हैं वो लिप्स. तो माउथ, लिप्स, टीथ, टंग, चीक, चीन, ईयर्स, और ये पूरा हमारा क्या है? फेस. डन. हमारे फेस के सारे पार्ट्स तो आ गए. शोल्डर, ये हमारे शोल्डर है. वी कैन कैरी थिंग्स विद द यूज ऑफ अवर शोल्डर. हम हमारे शोल्डर का यूज करके क्या कर सकते हैं? चीजों को ऐसे उठा सकते हैं. जैसे कि आप स्कूल बैग भी यहाँ पे लटका के लाते हो ना, कैरी करके लाते हो ना. देन आफ्टर नेक, दिस वन पोर्शन. तो ये नेक का क्या यूज होता है? तो वी कैन मूव अवर फेस विद द यूज ऑफ अवर नेक.
अगर मुझे इधर उधर देखना है तो मैं कैसे देख सकती हूँ, हम मेरी नेक का यूज कर सकते, अगर भगवान ने यही नहीं दी हो तो हम मुंह नहीं कर सकते फेस को, हमारे हेड को भी मुंह नहीं कर सकते, वो किससे मुंह कर सके कि हम विद द यूज ऑफ अवर नेक। ओके, सो नेक शोल्डर एंड दिस वन अवर चेस्ट, दिस वन अवर चेस्ट, देन दिस वन अवर उसके नीचे टमी स्टमक, जिसको आप टमी भी बोल सकते हो एंड स्टमक भी बोल सकते हो। हम इधर से जो भी खाना खाता है सब कहाँ पे जाता है, हमारे पेट के अंदर, इसीलिए बोलते हैं हेल्दी फूड खाना चाहिए। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा, टमी में दर्द होने लगेगा, स्टमक एक हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा, तो हेल्दी फूड खाओ एंड हेल्दी रहो। देन आफ्टर दिस वन इज अवर आर्म, कोई बॉडी बिल्डर हो या फिर बॉक्सिंग वॉक्सिंग हो तो सब ऐसे दिखाते हैं ना आर्म, इसको कहते हैं आर्म। उसके बाद दिस वन, इसको क्या कहते हैं हम, एल्बो, आर्म एल्बो, आर्म एल्बो। एंड दिस वन जिसमें हम कभी धागा बांधते हैं, कभी कभी हम इसमें बोझ भी पहनते, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रिस्ट, जहाँ पे आपको दिख रहा है ना मैंने रेड कलर का बांधा है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट कहते हैं। फिर उसके ऊपर ये हम ऐसे खोलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, पाम, इसको हम क्या कहते हैं, पाम कहते हैं, इसको हम ये जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पाम। एंड ये दोनों हमारे क्या है, जिसका यूज करके मैं लिख सकती हूँ, जिसका यूज करके मैं चीजों को होल्ड करके उठा सकती हूँ, वी होल्ड थिंग्स एंड राइट विथ अवर हैंड्स, वी होल्ड एंड राइट विथ अवर हैंड्स, इससे हम चीजों को उठा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और ये दोनों मेरे क्या है, हैंड्स है, और हैंड्स में ये जो फाइव फाइव दी है वो क्या है, मेरी फिंगर्स, मतलब मेरे कितनी फिंगर्स हुई, 10 फिंगर्स, उसमें दो क्या है, थंब। जब भी हमें कुछ भी अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ये ओके है, तो हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ओके, इसका मतलब ओके, तो ये दोनों मेरे क्या है, थंब, ये फाइव फिंगर, तो दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 10, और ये दोनों मेरे क्या है, हैंड्स, जिसको मैं ऐसे वेव भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ, चीज़ों को उठा भी सकती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं किससे करती हूँ, इससे। ओके, उसके बाद ये वाला पोर्शन, दिस वन पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं बताओ, थाई, दिस वन पोर्शन इज अ थाई। फिर थाई के नीचे ये दिस वन, इसको हम क्या कहेंगे पता है किसी को, इसको हम क्या कहते हैं, नी, थार, फिर नी, और नी के नीचे फिर क्या आएगा, वो तो यस, दिस वन इज अवर थार, फिर थार के बाद नी, नी के नीचे यहां पे देखो, दिस वन ये हमारा एंकल, इसको हम क्या कहते हैं, एंकल, और इसको हम क्या कहते हैं, टोस, टोस, एंकल, नी एंड थाई। टोस की अगर मैं टोस का यूज करूं तो मैं ऐसे खड़ी हो सकती हूँ ऐसे। फिर ये पूरे को हम क्या कहते हैं, लेग कहते हैं, पूरे को हम क्या कहते हैं, लेग, जिसका यूज करके अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इधर चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ। सो वी रन एंड वॉक, इवन वी स्टैंड विद द यूज ऑफ अवर लेग, और हमें ऐसे स्टैंड खड़े रहना है तो ये हम किससे कर सकते हैं, हमारे टोस से। तो आपको सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, इसमें कौन कौन से हैं, और जिसका यूज करके हम जितने पोर्शन में, इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन में हम शूज पहनते हैं, फुटवेयर का यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, अगर दोनों साथ में हो तो फिट और अकेला हो तो फुट। तो यहाँ पे ये थाई, ये नी, फिर
और नीचे जो उंगलियां होती है पैर की, जिससे हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? टोस कहते हैं। और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? लेग, जिसका यूज करके हम रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम किससे करते हैं? उससे करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स। और लास्ट वन, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो ये होती है हर एक जगह पे स्किन, किसी की ब्लैक होती है, किसी की व्हाइट होती है, किसी की बहुत ज्यादा व्हाइट ब्राउन, अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन कलर में वो मिल सकती है, होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्किन। सो वी फील विथ आवर स्किन। इस स्किन का यूज करके हम फील कर सकते हैं। सपोज कि बहुत ज्यादा गर्म चीज है, उसमें हमने हाथ डाल दिया तो हमारी स्किन जल जाती है। तो हमें सारी चीजें कहाँ से फील होती है? स्किन से। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ सेफ डे। बाय।